Good morning. So, are you ready for this another motivational video? Are you ready all? तो थोड़ा सा जोश दिखाओ, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ. एंड यस, क्या लिखना है? जस्ट राइट हुर्रे इफ यू आर रेडी फॉर दिस मोटिवेशनल वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो. ओके, तो यस, देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है. व्हाट आर वी गोइंग टू लुक अराउंड, लुक अबाउट टुडे. सो या, देखते हैं. ओह, टुडेज टॉपिक इज स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट. इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम अच्छे नहीं हैं? इसका मतलब इट डज मीन दैट वी आर नॉट गुड वॉट एवर वी आर टुडे. Is this mean that? Or what actually this means? Okay, so let me tell you. मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, इम्प्रूवमेंट मीन्स आप जहाँ पर भी हो अभी उससे बेटर होने का कोशिश करो. ठीक है, वेर एवर यू आर गोइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट ट्राई टू मेक इट योर हैबिट टू डू इट इन अ लिटिल बेटर वे. एवरी टाइम अगर आज हमें कोई होमवर्क मिला है और हमने आज उसे नो डाउट अच्छा किया, तो कल हम उसे थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करें. सो इससे क्या होगा बेसिकली? व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस? आई एम नॉट गेटिंग दैट. डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? ठीक है, आप इस बारे में सोचो कि हमें इतना इम्प्रूवमेंट क्यों करना चाहिए एंड ऑल. तब तक के लिए मैं हमारे कुछ रिचुअल्स कंप्लीट कर लेती हूँ. ठीक है, एंड ओके, सो दिस इज मी योर एजुकेटर कंचन सोनी एंड आई टेक योर सब्जेक्ट सोशल साइंस. आई कम लाइव ऑन यूट्यूब ऑन ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज एट 7:30 PM. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो काइंडली गो एंड जॉइन द चैनल सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ द अपडेट्स. और इसी के साथ ही अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो और आपका जो भी एग्जाम है, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या क्लास एग्जाम है, उसको आप बहुत अच्छे मार्क्स एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ उसको क्लियर कर सको. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्री में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बस देखते रह जाओगे. यस, बिकॉज देर आर सो मेनी क्विजेज, देर आर सो मेनी टेस्ट सीरीज ऑन द एप्लीकेशन एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. और इसी के साथ ही वहाँ पर आप जो टेस्ट है फ्री, जो सीरीज है वो आप अपनी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. यस, तो बस जाओ और जल्दी से एक्सप्लोर करो. एंड इसी के साथ स्पेशल लाइव क्लासेस भी हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं. और इसी के साथ हमारे पास प्लस क्लासेस भी हैं जो कि पेड क्लासेस हैं, बट उसमें जो एक एक अमाउंट है वो बिल्कुल वर्थ इट है. सो काइंडली गो एंड हैव इट. दिसंबर मंथ में वी एजुकेटर्स हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर रिविजन बैचेस और जनवरी मंथ के लिए भी हमारे सब के जो रिविजन बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं. तो सो काइंडली गो ऑन द एप्लीकेशन एंड टेक अ लुक ओवर देयर. एंड इसी के साथ अब आपको इसमें मिलेगा क्या? जो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो बहुत वर्थ इट है, बिकॉज इन दैट स्मॉल अमाउंट यू आर गोइंग टू टेक गेट ऑल दीज थिंग्स. लाइव क्लासेस हैं, मतलब टीचर के साथ आप बिल्कुल इंटरेक्शन मोड में रहोगे. वीकली क्विजेज आर देयर, डाउट सॉल्विंग सेशंस आर देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर और टेस्ट सीरीज भी है. और इसी के साथ ही आपको ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू हैव अनलिमिटेड एक्सेस. एंड जो सबसे अच्छी चीज मुझे प्लस क्लासेस की लगती है वो ये लगती है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आपको घर बैठे पूरे इंडिया के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है, उनके साथ फ्रेंडशिप करने का मौका मिल रहा है, उनके कल्चर को समझने का मौका मिल रहा है. एंड इसी के साथ इन द होल वर्ल्ड व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग दैट यू आर गेटिंग अ चांस टू नो अबाउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स ओनली. यस, बाय मेकिंग देम योर फ्रेंड्स. तो या, दिस इज अ वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एंड बहुत अच्छा एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस है. सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू काइंडली टेक द सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज KAN10 Kantan. यस, Kantan को यूज करो एंड यू विल बी गिवन डिस्काउंट. प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ एक और हमारे पास ये एक और थोड़ा सा बेटर है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हमारे पास सारे प्लस के बेनिफिट्स हैं. और इसी के साथ यहाँ पर है पर्सनल मेंटोर भी. पर्सनल मेंटोर आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं और आपको चेक भी करते हैं कि आपने कितना अपना कोर्स किया है, नहीं किया है, क्या कर रहे हो आखिरकार. सो ही विल ऑलवेज कंटिन्यूअसली बी ऑन योर साइड एंड मेक यू गो टू द सक्सेस एंड गो लाइक ही विल रियली हेल्प यू आउट टू अचीव गुड मार्क्स. एंड इसी के साथ आपके पेरेंट्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उनके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं. सो दिस इज अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए भी आपके AN10 Kantan को यूज कर सकते हो एंड गेट अ डिस्काउंट ओवर देयर. ठीक है, इसके बाद ओके, सो वी आर नॉट हैविंग द ओके. यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग क्रिएटिव कॉर्नर.
क्रिएटिव कॉर्नर आप देख सकते हो कि ये वो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत हेल्प होती है. यस, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है बेसिकली, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, एंड इसी के साथ ही लाइक यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओरेटरी स्किल्स, बात कैसे करनी है इससे अलग अलग सिचुएशंस में, एंड इसी के साथ एंटरटेनमेंट थ्रू मैजिकल ट्रिक्स हो गई या फिर आपकी पजल्स रिडल्स हो गई एंड ऑल. एंड इसी के साथ बुक लवर्स कॉर्नर भी है हमारे पास, जहाँ पर आप अपने जो रीडिंग हैबिट है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और इसी के साथ आपने जो कुछ पढ़ा है समथिंग एंड ऑल वो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो. एंड आफ्टर ऑल शेयरिंग इज गुड थिंग, इजंट इट? शेयरिंग मेक्स अस फील लिविंग लाइवली एक्चुअली. यस, इजंट इट? हम बात करते हैं तभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना. सो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन पार्ट. एंड उस सब्सक्रिप्शन को भी लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज KAN10 कंटेन. ठीक है, अब जैसे कि आप अपने सामने देख रहे हो, एंड उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आप लोगों ने सोचा कि इम्प्रूवमेंट क्यों होना चाहिए? वाई? हम जैसे हैं वैसे ठीक है ना? हम बुरे हैं क्या? अगर हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब, इसका क्या दूसरा मतलब ये निकालना चाहिए कि हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं? ओके, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. तब तक हम थोड़ा हमारा ये जो सेशन है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो, सक्सेस इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज. जैसे आपकी एस्पिरेशंस और आप जो एक्चुअली अचीव करना चाहते हो, तो उसके बीच में जो होता है ना, उसको आपको मेहनत से बनाना होता है, इज इट इट? अपने डिसिप्लिन, अपने डेडिकेशन, अपने पैशन, अपने कंपैशन, इन सबसे आपको वो एक ब्रिज बनाना होता है अपनी सक्सेस तक जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए सक्सेस है कि अब यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, सो मे बी यू वॉन्ट टू क्लियर वॉट से लाइक ओलम्पियाड्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओलम्पियाड्स, आपका सक्सेस गोल क्या है कि मुझे ओलम्पियाड्स को क्रैक करना है, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर. ठीक है, आप यहाँ खड़े हो और आपका गोल यहाँ पर है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक जाने के लिए, इस पॉइंट पे रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बीच में सीढ़ी बनानी पड़ेगी. सीढ़ी बनाओ, रास्ता बनाओ, और उस पे चलते चलते आप अपने गोल तक पहुँच जाओगे. लेकिन ये जो चलने के लिए ग्राउंड चाहिए ना, दैट विल ओनली बी डिपेंडेड अपॉन योर हार्डवर्क. आपके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करेगा. ठीक है, आपके डेडिकेशन पे, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इसी इसी एग्जाम्पल को अगर आगे कंटिन्यू करें, तो अगर आपको ओलम्पियाड्स के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक टेस्ट सॉल्व किया, एंड अगेन इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल थिंग, तो आपका जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था, एंड यू स्कोर्ड 70 ऑन दैट. गुड, वेरी गुड मार्क्स, है ना? इतना बुरा नहीं है, डिस्टिंक्शन में आप आ गए, है ना? अब आपका नेक्स्ट डे क्या गोल होना चाहिए कि मुझे अब 75 तो लाने ही है, 70 से तो नीचे नहीं जाना, 75 तो आने हैं. नेक्स्ट डे भी आपका क्या हुआ? 70 है. चलो ठीक है, डिग्रेडेशन भी नहीं हुआ तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ, बट ठीक है, 70 ही रहा. नेक्स्ट डे फिर आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया, अगेन यू आर लाइक कि आप 70 पे ही हो. फिर आपने आगे किया, फिर 70. मतलब चलते चलते एवरी टाइम इज दैट कि ना, आप हमेशा 70 मार्क्स ही स्कोर कर रहे हो. आप मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि इस पूरी दुनिया में 70 मार्क्स ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा? और जब आप यहाँ पे आकर के अपने गोल पे, जब आप फाइनल ओलंपियाड का पेपर दे रहे होगे, उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ लाइक 70 मार्क्स ला करके अपना मतलब जीत, मतलब यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम विथ डिस्टिंक्शन, मतलब आप उस पर टॉप आ जाओगे, या मतलब जो भी फ्लाइंग कलर्स में आप आना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो, क्या लेकर आ पाओगे? बताओ. यस, मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग, नो मैम ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 70 पर ही अटक गए, इजंट इट? 70 इज गुड. इसी तरीके से आज भी हम जिस कंडीशन में है ना, वी आर गुड. एक्सेप्ट योरसेल्फ, हाँ वी आर गुड, बट वी कैन बी बेटर, इजंट इट? हम बेटर हो सकते हैं. इसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर मैंने आज 70 अचीव किया, कल मैंने 75 किया, फिर 80 किया, है ना, फिर थोड़ा टाइम चलो 80-82 तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे क्या होगा, मैं जब फाइनल एग्जाम दूंगी तो मेरे चांसेस हैं कि मैं 90 से 95 के अराउंड स्कोर कर लूँ, एंड तब मैं फिर भी मेरे काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि मैं या तो टॉप कर जाऊँ या मैं अच्छी रैंक में आ जाऊँ, राइट? तो दिस इज वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना? हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए. बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एंड ऑल, मैं इसको पर्सनली सपोर्ट नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि परफेक्शन कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस भी दे देता है कि मुझे परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, नो वन इज परफेक्ट, नो बडी कैन बी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता. परफेक्ट होने की क्या कंडीशंस होती हैं? आप किसकी नज़रों में परफेक्ट होना चाहते हो,
है ना, यू कैन नॉट बी परफेक्ट बिकॉज एवरी टाइम वन और दी अदर थिंग हैपन्स एंड आप यू विल फील कि नहीं यार मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया. यस, बिकॉज आपने वो वाली स्टोरी सुनी है कि एक बार एक फादर सन और उनका जो गधा था वो तीनों साथ में जा रहे थे, ठीक है. तो एक बार जाते जाते क्या हुआ, मतलब उनको एक लोग मिले, उन्होंने कहा कि अरे कैसे तो लोग मतलब गधे को भी ऐसे ही चला रहे हैं, गधे के ऊपर बैठ सकते हैं, है ना. तो उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो वो दोनों ही बैठ गए गधे के ऊपर. फिर उसके बाद आगे चले तो फिर कुछ लोग मिले, कुछ लोगों ने बोला कि अरे कैसे लोग हैं इस बेचारे गधे पे, दोनों को दया भी नहीं आ रही, दोनों ही बैठ गए. तो फिर अब उनको समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए. तो फिर आगे उन्होंने क्या किया, अब गधे को, दोनों ने गधे को अपने ऊपर बिठा दिया कि भाई उसको हम रेस्ट दे रहे हैं. तो आगे चलते गए फिर आगे कुछ लोग मिले, दस पीपल वर लाइक कि ना क्या कहते हैं कि भाई मतलब ये कैसी बात होगी, ये दोनों गधे को लेके, जब ये दोनों से भी बड़े गधे हैं. तो अब उनको फिर लगा कि ये क्या हो गया, फिर ठीक है नॉर्मली चलने लग गए. फिर आगे जाके चले तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि अरे कैसा तो बेटा है, बाप को इस उम्र में इतना चला रहा है, गधा है उसमें बिठा नहीं सकता. अब ये चीज फिर उनके कानों में बड़ी अंधेवर लगी कि ओहो ठीक है. तो अब उन्होंने फादर को बिठा दिया वहां पे. फिर थोड़ा आगे चले देखा तो फिर कुछ लोग मिले, देवर लगे कि ओहो कैसा तो निर्दयी बाप है, मतलब खुद तो बैठा है और बेटे को इस कड़कती धूप में चला रहा है. तो फिर आगे मतलब देवर लाइक कि अब उन्होंने स्विच कर लिया अपनी प्लेसेस. तो कहने का मतलब ये है कि हम परफेक्शन का क्या कंडीशन है, परफेक्शन की क्या डेफिनेशन है, वी कैन नॉट अचीव दैट बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इट्स लाइक दिस, है ना, कि वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है काइंड ऑफ, ठीक है. तो और इसमें देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एज सच, ठीक है. बट या वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. अगर आज मेरा मॉर्निंग रूटीन रहा कि भाई आज मैंने एक्सरसाइज की एंड आई लाइक मेरा वेट आज की डेट में है 60 केजीज फॉर एग्जांपल, है ना. तो अब कल भी 60 केजी रहे, नहीं आई कैन हैव इट कि लाइक मैं अपना ड्रीम वेट अचीव कर सकती हूँ डेली, धीरे थोड़ा 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 करके अचीव करूँगी. तो फाइनली मेरे चांसेज हैं कि मैं फाइनल जो मेरा गोल है वो मैं उस पर एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है. परफेक्शन नो डाउट आपको लग रहा होगा कि लाइक इट्स अ काइंड ऑफ गुड थिंग एंड ऑल, बट नो वन इज परफेक्ट. दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता. वी कैन गो फॉर इम्प्रूवमेंट, हमें एक एक पल एक एक मोमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं मुझे बेटर करना है. आई कैन यूटिलाइज माई टाइम बेटर, आई कैन डू दिस थिंग बेटर. एवरी टाइम यू शुड हैव दिस थिंग इन योर लाइफ कि लाइक मुझे हर चीज को बेटर करना है. आज मैंने जैसे भी किया उससे मुझे बेटर करना है नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है. एंड या डोंट बी द सेम, बी बेटर. ये मुझे एक बहुत अच्छी साइट से मिल गया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट साइट कि मुझे ये बहुत अच्छे से मिला, है ना. और इसी के साथ डेली करो, आपका कोई भी काम हो उसकी प्लानिंग करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन हो जाए रिव्यू करो, फाइंड आउट करो कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया. जैसे मैं आपको मेरा एग्जाम्पल दूँ, हम हर महीने आपकी क्लासेस के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है. फिर उसके बाद बहुत बार मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पसंद आ रहा है, लाइक करो वीडियोस को, कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताओ, ठीक है. और उसके बाद ये क्या कहलाता है, रिव्यू कहलाता है ना. आपके फीडबैक से रिविजन होता है, रिव्यू मिलता है बेसिकली कि अच्छा कितना इम्प्रूवमेंट किया, कहाँ किया, क्या नहीं किया. सो दिस विल ओनली मेक आर वीडियोज आर सेशंस बेटर, isn't it? और फिर फाइनली कोई अगर गलती हो गई, कुछ लगा कि नहीं यार ये यहाँ पे इसको और बेटर किया जा सकता था, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करो. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बीइंग बेटर इन लाइफ, बीइंग बेटर ऑन ईच एंड एवरी डे इन योर लाइफ. प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन होगा आपके डिसिप्लिन की वजह से. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ईयर आ रहा है ना, रेजोल्यूशंस बनेंगे, वेट लूज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, केक नहीं खाऊंगा, चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा, और मम्मी पापा से अच्छे से बात करूंगा, फ्रेंड्स बनाऊंगा, फ्रेंड्स से लड़ाई नहीं करूंगा, मम्मी से बड़ी बहन से लड़ाई नहीं करूंगा, छोटी बहन को नहीं सताऊंगा. मीन दीज थिंग्स विल हैपन, ठीक है, दीज थिंग्स विल हैपन. प्लानिंग तो कर ली, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है. एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, अपनी विल पावर से और अपनी डेडिकेशन से ही उसको कर पाओगे, ठीक है. जब तक वो पैशन और डेडिकेशन नहीं आएगा ना, चलो पैशन तो बहुत बड़ी बात होगी, अभी नहीं है कोई बात नहीं है, इट्स ओके, है ना, कोई बात नहीं. उसको वो अगर चीज़ नहीं भी है तो भी हम हमारे डिसिप्लिन से एटलीस्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एग्जीक्यूट करो, जो भी प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करो, फिर रिव्यू करो, फाइंड आउट करो कि कितना बेटर तरीके से वो और किया जा सकता था और अभी मैंने किया क्या, ठीक है. और जब आप उसको रिव्यू करोगे,
आई एम 110% श्योर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि ये चीज बेटर हो सकती थी. फिर उसको अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको रेक्टिफाई करो. नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू हैव बेटर पर्सनैलिटी. ठीक है, बेटर पर्सनैलिटी. आपको क्या लगता है आज के टाइम पे जो नरेंद्र मोदी सर हैं वो आई डोंट थिंक सो एस एस डिग्री या इस किसी एजुकेशन या अपने मार्क्स या इन सब की वजह से ही इज द प्राइम मिनिस्टर. आई डोंट थिंक सो. उनकी स्टोरी तो सबको पता है ना, ही वॉज द टी सेलर बेसिकली. लेकिन आज वो देश चला रहे हैं क्यों? अपनी इन्हीं अच्छी हैबिट्स की वजह से. ठीक है, इन्हीं अच्छी हैबिट्स की वजह से, अपनी डेडिकेशन डिसिप्लिन की वजह से, है ना. मैंने आपको पहले अमिताभ बच्चन सर के बारे में भी बताया था, इजंट इट. तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं विथ योर ओन विलिंग पावर, आपकी विल पावर टू बी बेटर ईच एंड एवरी डे. एक एक मोमेंट में, ईच एंड एवरी डे बी बेटर. ठीक है, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो और उस गोल पे को करने के लिए छोटे 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 शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ और उनको हर दिन बेटर करो. एंड यस, दिस वे यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी. एक महीना करके देखो और मैम आई एम टेलिंग यू, वापस इस वीडियो पे आना. ये वीडियो रहेगा, आप उसमें खुद देख सकना कि इसमें आपके अंदर कितना चेंज है. एंड देन let me know, definitely you should. So yes, thank you so much students. I hope this video will definitely help you out. And yes, for carrying forward your resolutions also. And I'm looking forward to know about your resolutions actually. So yes, thank you so much once again for giving me your precious time. And don't forget to subscribe the Unacademy Class 7 channel. And my referral code is KAN10 content. कंटेंट को यूज़ करो और सारी प्लस क्लासेस जो के आराम से उसका सब्सक्रिप्शन लो. अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक्सप्लोर करो एंड फाइंड आउट हाउ मच बेनिफिट यू कैन हैव फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, बिकॉज देर आर वेरी अमेजिंग थिंग्स इन दिस एप्लीकेशन. एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो और आ जाओ हमारे पास वहाँ पर भी. एंड यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ द सेशंस देयर. ओके, सो विद दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बींग विथ मी in this early morning. So bye-bye, take care.